हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट अड्डा यूट्यूब चैनल। इसके पहले के वीडियो में हमने जो फोर्स कैलकुलेट की थी, जो जेट एग्जर्ट कर रहा है किसी भी प्लेट के ऊपर, हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक स्टेशनरी के बारे में पढ़ा, जिसमें वर्टिकल प्लेट के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने इंक्लाइंड प्लेट के बारे में पढ़ा, उसके बाद और थर्ड केस में हमने कर्व प्लेट के बारे में पढ़ा, और उसके अंदर भी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। फर्स्ट, जब जेट हमारा सेंट्रली स्ट्राइक करेगा, और सेकंड, जब हमारा जेट जो है वो टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा तो उसमें कैसी फोर्स एग्जर्ट करेगा। उसके बाद मूविंग में हमने एक केस कंप्लीट किया था जिसमें जेट फोर्स एग्जर्ट कर रही है किसी भी प्लेट के पे और प्लेट मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। अब हमारा आज का टॉपिक होगा फोर्स एग्जर्ट बाय जेट ऑन मूविंग इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं, तो इट्स ए ह्यूज रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक और शेयर का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूं। सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने डायग्राम को बना लेते हैं। तो ये है हमारा पाइप, जिसके आगे हमें लगाना है एक नोजल। और आप जानते हैं पाइप में जो फ्लूड होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और नोजल हम क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाए, वेलोसिटी बढ़ जाए, और जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती है वहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड्स, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम प्रेशर हेड को काइनेटिक हेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जेट बनाते हैं। ये कुछ इस तरीके का हमारा जेट बनेगा। ये है हमारा जेट, ठीक है। तो जेट का भी कुछ वेलोसिटी होगा, डायमीटर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो डायमीटर है वो चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमारा चेंज नहीं होगा। तो जहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा, डायमीटर चेंज नहीं हो रहा, वहाँ पे हमारी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको जानना ये चीज़ है, जो वेलोसिटी होगा उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी, यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से हमारा जो जेट है वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो हम लोग वी मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी। उसके बाद हम लोग एक फ्लैट प्लेट बनाते हैं, इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट, कुछ इस तरीके का हमारा होगा। और आप जानते हैं कि ये जो है ये इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट है, साथ में ये मूव भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर फ्लैट प्लेट मूव कर रहा है तो इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो उसे हम यू मानते हैं, कुछ इस तरीके का। और ये जो फ्लैट प्लेट है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेट जा रही है, इसीलिए मैंने डायरेक्शन इधर दिखाया और इसे मैंने डिनोट किया है यू से। तो ये जो जेट है वो स्ट्राइक करेगा, ये दोनों एक दूसरे सॉरी ये दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जानने वाली बात ये है, जो जेट है हमारा वो कुछ एंगल बना रहा है इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट से। तो ये जो एंगल बना रहा है इसे हम कहेंगे थीटा, ठीक है। तो ये जो मूव कर रहा है कुछ इस तरीके का मूव कर रहा है हमारा, और ये हमारा मूविंग फ्लैट प्लेट है, और ये हमारा जेट है, ठीक है। तो सवाल उठता है कि ये किस वेलोसिटी से जो जेट है हमारा वो स्ट्राइक करेगा फ्लैट प्लेट से। याद रखिएगा, ये जो वेलोसिटी ऑफ जेट, यानी जो हमने माना एब्सोल्यूट वेलोसिटी, उससे वो स्ट्राइक नहीं करेगा, वो प्लेट पे स्ट्राइक करेगा अपने रिलेटिव वेलोसिटी से, क्योंकि दोनों यहाँ पे मूविंग कंडीशन में है। जेट भी मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी v, और प्लेट भी मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। तो ये दोनों एक दूसरे को जो स्ट्राइक करेगा वो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी से होगा। थोड़ा समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे दो ट्रेन को कंसीडर करें, ए और बी। फर्स्ट का जो ट्रेन ए है वो 8 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और दूसरा ट्रेन बी है वो 18 मीटर
पर सेकंड चल रहा है। अगर कहा जाए ट्रेन बी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम निकाल सकते हैं 18-8 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। अगर किसी को रेफरेंस मान के हम उसकी वेलोसिटी जाननी चाहेंगे तो वो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। इस कंडीशन में जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी या फिर उसकी वेलोसिटी को हम जीरो मानते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो हमने प्लेट को माना है वो बहुत ही स्मूथ माना है, यहाँ पे हमारा कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो अगर कोई लॉस नहीं होगा तो जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक करेगा प्लेट पे उसी वेलोसिटी से वो वहाँ से बाहर भी निकलेगा। यानी अगर यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वी माइनस यू, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को वी आर से डिनोट करते हैं और वो होता है वी माइनस यू, तो जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा प्लेट पे उसी वेलोसिटी से ये एग्जिट भी होगा यहाँ से, यानी वी माइनस यू, ये रिलेटिव वेलोसिटी, इधर भी हमारी क्या हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, यानी यहां पे हमारा क्या हो जाएगा v माइनस यू, ठीक है। तो कुछ टर्म्स जो है उनको हम लिख लेते हैं, जैसे कि लेट v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ जेट, u इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लेट, थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेट एंड जेट, ठीक है। स्मॉल a इट इज द एरिया ऑफ जेट, और वी आर होगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, जिसका जो वैल्यू होगा वो होगा v माइनस यू, ठीक है। तो यहां पे जानने वाली बात यह है कि जेट का जो वेलोसिटी होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ प्लेट। तो हमें फोर्स निकालना है नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है, यानी वेलोसिटी कंपोनेंट इन नॉर्मल डायरेक्शन हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये प्लेट को अगर हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, अगर ये प्लेट है हमारा वर्टिकल इंक्लाइंड, सॉरी इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट, कुछ इस तरीके का हमारा फ्लैट इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट होगा, ठीक है। तो जो जेट है वो स्ट्राइक कर रहा है कुछ इस तरीके से विथ रिलेटिव वेलोसिटी वी माइनस यू, ठीक है। अब ये जो जेट स्ट्राइक कर रहा है प्लेट पे, ये कुछ एंगल बना रहा है दैट इज थीटा, ठीक है, इट इज़ द एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी का निकालना है। तो यहाँ पे जो फोर्स निकालेंगे हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट में, और हम लोग जानते हैं फोर्स इज ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल बनाते हैं इस सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा कुछ नॉर्मल इस तरीके का बनेगा, और ये हमारा जो बनेगा वो 90 डिग्री यहाँ से होगा। तो इसको हम कह देते हैं एफ एन से डिनोट कर रहा हूँ नॉर्मल फोर्स को। तो हमें फाइंड करना है जेट कितना फोर्स लगा रहा है इस इंक्लाइंड मूविंग फ्लैट प्लेट पे। तो इसको निकालने के लिए हमें यूज़ करना होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन का। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स यानी एफ इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर अगर हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे इसको और एलैबोरेट करें तो ये कुछ इस तरीके का होगा एफ इक्वल्स टू एम इनटू ठीक है। तो यहाँ पे v1 माइनस v2 लिखा हूँ मैं अपॉन टाइम टेकन या चेंज इन टाइम t2 माइनस t1। तो यहाँ पे v1 मैंने पहले इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ जेट कितना फोर्स लगा रहा है प्लेट पे। अगर हमें फाइंड करना होता कि प्लेट कितना फोर्स लगा रहा है जेट पे, तो हम यहाँ पे v2 माइनस v1 लिखते हैं। एक छोटा सा टर्म आपको जानना चाहिए, ये होता है मोमेंट, होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। फर्दर इसको अगर हम और लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं मास को, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ होगा एम वी वन माइनस एम वी टू अपॉन टाइम टेकन या टी टू माइनस टी वन, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मोमेंट था वो मास इनटू वेलोसिटी, यानी ये हमारा इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, लिख सकते हैं इसे हम इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये जो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम, तो इसको हम लिख सकते हैं अपॉन टाइम टेकन। अब हम लोग मोमेंटम को जब भी टाइम से रिलेट करते हैं तो वो हमारा हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां पे जो एफ निकल के आया वो होगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो फोर्स जेट लगा रहा है इस इंक्लाइंड वर्टिकल सॉरी इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट पे, इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग बैक टू अपने इक्वेशन में आते हैं, एफ इक्वल्स टू एम वी वन माइनस वी टू अपॉन डी टी। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको ये हमारा नेट फोर्स था नॉर्मल डायरेक्शन का। एक और छोटा सा टर्म है एम अपॉन डी टी, यानी मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट ऑफ जेट, जो हमारा जेट स्ट्राइक कर रहा है प्लेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे एम अपॉन डी टी को हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, मास को अगर हम डेंसिटी के टर्म में लिखें तो ये होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डेंसिटी एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर हाइट। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं एम के बदले इस चीज़ को, तो ये होगा रो ए डी अपॉन डी टी या टाइम टेकन। तो यहाँ पे चेंज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन वेलोसिटी होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रो ए वी, यानी एम अपॉन डी टी, यानी मास फ्लो रेट के बदले हम लिख सकते हैं रो ए वी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको एम अपॉन डी टी के बदले ये लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा रो ए वी वी वन माइनस वी टू। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, ये जो v है मेरा ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट, यानी वी आर है ये, ठीक है। और स्मॉल a हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया ऑफ जेट का। तो यहाँ पे v1 और v2 क्या होगा, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स हम निकाल रहे हैं यानी एफ एन इक्वल्स टू एम अपॉन डी टी बदले रो ए अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो हमने यहाँ पे लिया था, ये देखिए ये जो हमारा है ये v1, बिफोर स्ट्राइक क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी थी जेट की और एंगल बना रहा था थीटा। यहाँ पे देखिए ये जो नॉर्मल फोर्स है यानी एफ एन जो है वो हमारा कंपोनेंट, देखिए ये जो वेलोसिटी यहाँ आया ये एक कंपोनेंट टूट रहा है इस तरफ और एक कंपोनेंट हमारा ये हो गया, तो जिससे ये एंगल बनाएगा ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा और वाई एक्सिस वाला हमारा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है यानी जो स्ट्राइक कर रहा है जेट अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे लेके बढ़ते हैं हम लोग, तो v1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हमने देखा v1 जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारी क्या थी अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन वी आर साइन थीटा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे वी आर साइन थीटा माइनस v2। अब यहां पे देखिए ये जो जेट है वो इस तरफ नहीं जा रहा, यानी अलोंग x एक्सिस सॉरी अलोंग दिस डायरेक्शन हमें कोई भी वेलोसिटी नहीं मिलेगी, यानी आफ्टर स्ट्राइक आफ्टर जेट स्ट्राइक सो द फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। तो यहाँ पे जो v2 होगा वो जीरो हो जाएगा। तो एफ एन इक्वल्स टू रो ए वी आर अपॉन वी आर साइन थीटा। तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा वी आर का, अगर हम वैल्यू जो यहाँ पे हमने लिखा है ये हमारा वी आर का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये होगा रो ए वी माइनस यू अपॉन वी माइनस यू साइन थीटा, यानी नॉर्मल फोर्स हो जाएगा हमारा रो इंटू एरिया वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। सो ये जो नॉर्मल फोर्स इसे हम दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज अलोंग एक्स एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो यहां पे हम सबसे पहले एक प्लेट बनाएंगे, दिस इज आवर वर्टिकल प्लेट। अब यहाँ पे हमारा जो जेट स्ट्राइक कर रहा था कुछ इस तरीके से विथ रिलेटिव वेलोसिटी यानी वी आर दैट इज वी माइनस यू, और ये कुछ एंगल बना रहा था आपका थीटा। ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है एफ एन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना एंगल होगा, ये ऑलरेडी हमारा 90 डिग्री बनाता है, जो नॉर्मल फोर्स होता है वो 90 डिग्री बनाता है, और ये है हमारा थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। इधर भी हमारा 90 डिग्री बनाएगा, तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ये नॉर्मल फोर्स को अगर हम कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर दें यहाँ पे, तो ये तो हम जानते हैं बाय अप्लाइड मैकेनिक्स हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इसका इफेक्ट पे कोई चेंज नहीं होगा। और ये जो हमारा जेट स्ट्राइक कर रहा है इसको हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं और इसी को हम मानते हैं एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये देखिए 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या एंगल बनेगा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो अगर ये जो फोर्स है ये कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसे भी हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से। तो अगर अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसको हम एफ एक्स लिख देते हैं और अलोंग वाई एक्सिस है तो हम इसे एफ वाई लिखते हैं। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, ये होगा आपका एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा कुछ यही होगा, और एफ वाई हो जाएगा एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा एक फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिया आपका प्लेट का जो उस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो हमें फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो लिखते हैं
कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस और डायरेक्शन, ठीक है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, हमने लिखा एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा। तो एफ एन की वैल्यू कितनी थी, तो हमने तो एफ एन की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, ये है हमारी एफ एन की वैल्यू, यानी रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर साइन थीटा। तो इसको पुट करते हैं हम लोग एफ एन, और सॉरी पुट करते हैं रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर साइन थीटा, और हम लोग जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, लिख लेते हैं इसको कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो यह मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, तो ये हमारा जो फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस विल बी रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन ऑल्सो, सो क्या हो जाएगा कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, एफ वाई विल बी एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो एफ वाई विल बी फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस विल बी एफ एन का वैल्यू हम जानते हैं रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर साइन थीटा इंटू, अब यहाँ पे आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हमारा फोर्स जो निकला, ये हमारा नॉर्मल फोर्स का कॉम्पोनेंट है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल फोर्स कॉम्पोनेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन एंड दिस इज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो वर्क डन बाय द जेट ऑन द प्लेट कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट हमारा है वो मूविंग कंडीशन में है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन सिर्फ एक्स डायरेक्शन के ही कॉम्पोनेंट में हमको वर्क मिलेगा, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, जो हम लिखते हैं वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ जो वर्क डन होगा, जो निकालना है हमें, वो क्या है, वो है पावर यूटिलाइज बाई जेट ऑन द प्लेट। तो यहाँ पे जो वर्क डन निकालना है वो है आपका वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि पावर होता है। तो अगर हम ये वर्क डन निकालते हैं वर्क डन, तो ये हमारा होता है फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ प्लेट। तो इसे हम लिख सकते हैं वर्क डन ऑन द प्लेट बाय अ जेट विल बी फोर्स exert by the jet multiplied by velocity of jet, sorry velocity of plate, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेट है वो मूविंग कंडीशन में, तो हम लिख सकते हैं इसको velocity of moving plate, ठीक है। So यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स अलोंग द जेट स्ट्राइक द प्लेट, या फिर फोर्स एक्सर्ट बाय द जेट अलोंग, हमारा जो जेट है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, इनटू वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट दैट इज यू, ठीक है। तो वर्क डन निकालते हैं हम लोग, एफ एक्स जो आया था हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके का, तो एफ एक्स हो जाएगा रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख देते हैं ठीक है इनटू वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट जो हमने लिया था यू, जो हमने यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट जो लिया था वो यू लिया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा आफ्टर सॉल्विंग, ये आएगा रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू यू, ठीक है। तो यही है हमारा वर्क डन ऑन द प्लेट बाय अ जेट, ठीक है। तो इसका कोई यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका जो यूनिट होता है वो आपका होगा न्यूटन मीटर पर सेकंड या फिर जूल पर सेकंड, इसी को हम कहते हैं वाट, जो कि यूनिट होता है पावर का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लाइक और शेयर का बटन भी आप प्रेस कर दें, और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आई मोहम्मद अख्तर साइनिंग ऑफ।